लीजिए कुमार साहब, संभालिए अपने दूसरी की बच्ची को जिसे अपने पापा की गोद की जरूरत अब तक है। ये क्या हो रहा है? ये ठीक है, हम हाथ जोड़कर रिश्ता मांगने आए थे, लेकिन अब भिखारी नहीं है। नहीं बेटे, ऐसा क्यों कह रहे हो? इसलिए कि आपकी बेटी यही समझती है कि उसने मुझसे शादी करके मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया। मैं इस एहसान का बोझ और नहीं उठा सकता, और जब तक आपकी बेटी को अपनी गलती का एहसास नहीं होगा, अपने पति की अहमियत और उसकी जरूरत महसूस नहीं होगी, मैं उसे इस घर से नहीं ले जाने वाला। अजय, मत रोकिए पापा, जाने दीजिए उसे। आप नहीं जानते आपके बारे में उसने क्या क्या कहा। मैं तब तक उसके घर नहीं जाऊंगी जब तक वो खुद मुझसे माफी मांगने नहीं आए। उफ़ हो मम्मी, तुम चाहती हो कि उस इज्जत के आगे मैं अपने घुटने टेकूं, उसे अपनी गलती का एहसास हुए बिना उस घर ले आऊं? हाँ, इसलिए कि वो माँ बनने वाली है। मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम दोनों की जीत और झगड़े का असर किसी वजह से होने वाले बच्चे पर पड़े। कल तक तुम बहू को वापस लेकर नहीं आओगे तो परसों मुझे जाना पड़ेगा, समझे? अजय, बेटे, जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। मैं अपनी बेटी की तरफ से माफी मांगने आया हूं। बेटे, प्यार में झगड़े ही होते हैं, लेकिन पति पत्नी के बीच के झगड़े घर की चार दीवारी में ही खत्म हो जाए तो अच्छा है, वरना कभी कभी ऐसा भी होता है कि दिलों में दूरियां नहीं होती और फासले बढ़ते ही चले जाते हैं। ये बात आपने अपनी बेटी को नहीं समझाई? समझाई बेटे, लेकिन वो नादान है। पति पत्नी के रिश्ते को ठीक तरह से समझ पाती तो क्या उसे अपने साथ नहीं ले आता? जिद्दी है वो, इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं आपके साथ चलकर आपकी बेटी से माफी मांगू और उसे अपने घर ले आऊं। कमाल हो गया साहब, जो लड़की शादी की पहली रात अपनी सुहाग की सेज को छोड़कर चली जाए, उसके बाद सोते जागते उठते बैठते पापा 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 करती रहे, उसके लिए माफी मांगू मैं? और मैं जो अपना सारा बिजनेस लंदन में छोड़कर यहां बैठा हूं ताकि मेरी पत्नी आपकी बेटी आपकी आंखों के सामने रहे, आप उसे देख सके और वो आपको देख सके, उसके लिए माफी मांगू मैं? अपने होने वाले बच्चे की खबर सुनकर अपनी बीवी के लिए अरमान भरा तोहफा लाऊं और आपके आने की एक आवाज से सब कुछ बिखर जाए, उसके लिए माफी मांगू मैं? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। कुमार साहब, आप भी कभी पति रह चुके, आपकी ही पत्नी थी, उसने मरते तो आपसे कसम ली थी, उस कसम को पिछले 20 साल से निभा रहे हैं आप। अब आप ही बताइए, अगर आप दोनों में इतना प्यार ना होता, वो आपके बारे में सोचकर हमेशा अपने मां बाप भाई बहनों में खोई रहती, तो क्या वही कसम आज तक निभा पाते आप? मैं भी चाहता हूं कि मेरी पत्नी मुझसे प्यार करे, वो अटूट बंधन हो हमारे बीच जो कोई ना तोड़ पाए। पति पत्नी से बड़ा रिश्ता ही क्या इस दुनिया में? लड़की के हाथों में मेहंदी लगती है, अग्नि के गिर साथ फेरे लिए जाते हैं, तो एक तरह से लड़की चोला बदलती है, लेकिन यहां तो ऐसा हुआ, चोला तो बदल लिया उसने लेकिन आत्मा वही की वही रह गई। इसमें दोष सिर्फ उसी का नहीं है, आपका भी है कुमार साहब। वो जानती है, वो अच्छा करे या बुरा, गलत करे या ठीक, वो तो अपने पापा के महल में लौट सकती है। अंधा प्यार किया है आपने अपनी बेटी से, जिससे उसकी सोच अंधी हो गई, उसका दिमाग अंधा हो गया। चाहिए कुमार साहब, जाकर अपनी बेटी को समझाइए सुहाग क्या होता है, पति क्या होता है, और जिस दिन उसके समझ में आ जाए तो मुझे बुला लीजिएगा, लेकिन भगवान के लिए मुझे और मत गिराइए। इंतजार कर रही हूं। पापा, अब नाराजगी छोड़ और बात करो मुझसे।
पहले डांट सुने फिर मनाए भी हम। पापा गुस्से से बात करो, शिकायत से बात करो, मगर बात तो करो। पापा पापा क्या लगा रखा है? पापा पापा क्या काम है? बोलो ना क्या काम है? क्यों सर पे खड़े हो मेरे? पापा खाना नहीं खाना है मुझे, भूख नहीं। क्यों पापा, आपने रात को भी कुछ नहीं खाया? रात दिन जिसे चिंता खाई जाती हो उससे खाना खाया जाता है क्या? जिसकी बेटी अपना घर छोड़कर वापस आ जाए उस बाप को सकती है क्या? अपना घर छोड़कर आ जाए? पापा मैं तो अपने घर आई हूँ। अपने घर? क्या क्या ये मेरा घर नहीं है? शादी के बाद बेटी बाप के घर मेहमान की तरह होती है, और मेहमान जरूर से ज्यादा एक दिन भी रह जाए तो बोझ बन जाता है। बोझ? मैं आप पर बोझ हूँ पापा? आपने पहली बार अपनी बेटी से ऐसी बात की है, आप बदल गए पापा। झगड़ा मैंने किया आपकी वजह से, अजय की डांट सुनी आपकी वजह से, इसलिए कि आपकी तबीयत पूछने चली आई थी मैं। तो क्या जरूरत है इस तरह रोज रोज मेरे पास चले आने की? नहीं ना, मैं कभी कभी एक आध बार मिल लिया होता तो ठीक था, लेकिन रिश्ता भी इतना बढ़ाया जाए के? रिश्ता घटाया या बढ़ाया नहीं जाता, रिश्ता होता है या बिल्कुल नहीं होता। तो तोड़ दो रिश्ता। आप चाहते हैं मैं आपसे रिश्ता तोड़ लूं? तो ठीक है, अगर मैं आप पे इतना ही बोझ बन चुकी हूँ तो मैं चली जाती हूँ यहाँ से। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब तक आप मुझे लेने नहीं आएंगे मैं भी इस घर में नहीं आऊंगी। मत आना, मुझे मिले बगैर मुझे देखे बगैर जी नहीं पाएंगे आप। जी लूंगा, तू जाए यहाँ से। मेरी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे आप पापा। मैं कर लूंगा, तू जाए यहाँ से। अच्छा, अगर आप मुझे अपनी नजरों से दूर रखकर ही खुश हैं, तो फिर आपसे आपके इस घर से क्यों? मैं शहर से ही दूर चली जाती हूँ। शायद यही ठीक होगा। बस तसल्ली हो गई मेरी, मैं आपसे दूर चली जाऊं और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। देख लिया मैंने मेरे सामने खड़े हुए इस आदमी में और मेरे पापा में कितना फर्क है। मैं चली जाती हूँ यहाँ से, चली जाती हूँ।